हमने के तेरे ते गूगल पे करना है, जो नंबर सेव कर लियो। फोन से गूगल पे करेंगे। कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है, वहाँ से नंबर मिलता है तो कितना अच्छा होता। बहुत खुश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, है ना। थैंक यू सो मच यशपाल सर, मूविंग ऑन टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हिंदी फिल्मों के साथ साथ सर हरियाणवी इंडस्ट्री को भी एक अलग आयाम पे लेके जा रहे हैं आप। ऑफ कोर्स अभी अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया आपको, आपकी फिल्म को सर। या इंटर ऐसा इंटर स्टेट रोमांस टाइप का चल रहा है यहाँ पे। इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया था क्या हो रहा था। नमस्कार। जब मुझे पता लगा कि फिल्म का नाम कुड़ी हरियाणे वाली है और जो कुड़ी है मैं उसका बाप हूँ तो और ये कनाडा में थे पवन, और बहुत लंबी बातचीत हुई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो। तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों। और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी बात चली थी तो मैं उसको अभी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ कि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना, डबिंग में ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, पूरा इसी में ठीक करना है। और ये वाकई में चाहे 3 टेक हो 4 टेक हो, मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी, सुनीता शर्मा, वो दंगल और तनु वेड्स मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी उनको सबको, तो बहुत अच्छी एक टीचर है। तो मैं इनकी उस लगन को देख करके और उनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का, मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी। बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैम्पियन भी इसी में रिलीज़ है 14 तारीख को। तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे, चंदू चैम्पियन को या कुड़ी हरियाणे वाली। मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ जरूर मेरी तो जो हरियाणा की फिल्म है और पंजाब की फिल्म है, और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में। और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का, हरियाणा पंजाब का शिखर छुए, जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है, जैसे और सिनेमा है उसकी तरह उनका भी नाम हो। सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत पंजाबी में भी 10 में से 1 आ जाती है सेंसिबल। हर फिल्म नहीं होती है, मैं जानता हूँ। आज ही अभी भाई बता रहे थे काफ़ी अच्छी बात है कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में। तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि आप जो है वो जो देश की जो धुरी है, स्तंभ है, आप हैं। आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है। ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे वो जरूर वैसा ही लिखिए, जैसा मन करे जैसा लगे, क्योंकि वाकई में बहुत जरूरत है सच्चाई की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल जी, सब ठीक? पंजाबी के डायलॉग। हाँ जी, हाँ जी, मेरा तो हरियाणवी रोल था उसे ही ट्रांसलेट कर दो है पंजाबी च। मैं दूजी और कोई फिल्म का मैं बोल सकता, वो जरूरत नहीं मेरे ख्याल। योगराज सर, दिस वंस फॉर यू। ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई होगी इसे निभाने में। और दूसरी चीज़, जिस तरह से सब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर।